नमस्कार मित्रों, हाजिर हूँ एक बार फिर प्रोग्राम जन्मकुंडली के साथ। और आज मैं चर्चा करने वाला हूँ लोनर एक्लिप्स के बारे में, यानी कि चंद्र ग्रहण हो रहा है 5 जुलाई को, और जिसके बारे में आपकी ढेर सारी सवाल हैं कि ये हमारी मेरी राशि के लिए क्या होगा, कैसे होगा। तो मैं बता दूँ, अगर आप मेरे पीछे देख रहे हैं कुंडली, एरीज राशि के बारे में आज चर्चा करूँगा। ये लूनर एक्लिप्स जो है, चंद्र ग्रहण जो है, आपकी राशि के ऊपर कैसा प्रभाव देगा आप देखें। तो आपकी कुंडली में चंद्र, बृहस्पति और केतु 9th हाउस में अगर आप देख पाएं, तो जिसको मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, आज को थोड़ा सा और नजदीक कर लेते हैं तो आप खुद समझ पाएंगे कि ये चंद्र, बृहस्पति और केतु जो है आपकी कुंडली में कैसे एक अपना प्रभाव जो है बनाए हुए हैं, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। आप देखिए, चंद्र, बृहस्पति और केतु आप देख रहे हैं, यहाँ बिल्कुल मेरे बिल्कुल साथ जो है वो बृहस्पति, चंद्र और केतु का एक योग बना हुआ है, और यही जो ग्रहण है आपके भाग्य स्थान में होने जा रहा है। तो भाग्य स्थान का ये कैसा प्रभाव देगा, इसको हम और एक कुंडली के माध्यम से देख लेते हैं। मैं एक कुंडली आपको बड़े रूप में आपके सामने ले आता हूँ, तो आप देखें चंद्र, बृहस्पति और केतु, और वहीं आपकी राशि लॉर्ड मंगल जो है वो 12th हाउस में बैठे हुए हैं। तो हमें ये जानना होगा कि ये जो इक्लिप्स है एरी राशि वालों के लिए कैसा प्रभाव देगा। तो ये इक्लिप्स जो है, सबसे पहले बताऊं कि लंदन टाइम के हिसाब से मॉर्निंग टाइम 4:41 यानी कि 4:41 जो है सुबह का टाइम उस दौरान होगा। अलग अलग देशों में इसका अलग अलग टाइम रह सकता है, लेकिन फिर भी ये देखना पड़ेगा कि ये प्रभाव जो है कैसा जो है वो बनता है। तो मैं बता दूं, यहाँ पे जो स्थितियां हैं वो सीधी सीधी दिखाई दे रही हैं कि इस दौरान जो है जिस एंगल से मैं देखूंगा चंद्र को, या चंद्र का जो प्रभाव है वो एरीज राशि के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब है कि चंद्र ग्रहण सीधा सीधा आपको प्रभावित करने वाला नहीं है। तो इसलिए जो चिंता है या परेशानी है या जिस बात को लेकर आप बहुत ज्यादा टेंस है कि अरे हमारे ऊपर ये कैसे होगा, क्या होगा, तो मैं बता दूं कि कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको लेके आपको बहुत ज्यादा जो है वो परेशान जो है वो होना चाहिए। कुल मिला के मैं ये कहूंगा कि जो स्थितियां हैं वो पहले से बेहतर हो रही हैं, और आपके भाग्य स्थान में सुखेश का और उसको ग्रहण लगना, तो कहीं ना कहीं भाग्य को लेके कुछ चिंताएं आपके दिमाग में रह सकती हैं, कुछ परेशानियां जो हैं जिनको आप अपने दिमाग में डाल सकते हैं। यहाँ कुछ फैमिली मेंबर्स के साथ आपका विचार जो जो तकरार जो है वो कहीं ना कहीं जो टेंशन जो है वो बन सकती है। लेकिन इस सब के बावजूद मुझे कोई ऐसा प्रभाव इसका दिखाई नहीं दे रहा है जिसको लेकर मैं कहूँ कि आपको इस बात का ध्यान जो है देना पड़ेगा या इस बात को लेके आपको बहुत चिंता करनी चाहिए। मैं यही कहूँगा कि हल्की फुल्की चिंताएं हमारे जीवन में रहती हैं, और इन चिंताओं को लेकर जब हम परेशान होते हैं तो वो परेशानियां जो है हमें किसी गलत रास्ते पर ले जाती हैं। बस आपको अगर कुछ सावधानी लेनी है इस दौरान, तो कोई भी ऐसा काम ना करें जो आपके जीवन को किसी तरह से आहत करे, प्रभावित करे, और जिसका जिसको बाद में आप चंद्र ग्रहण के साथ या लूनर इक्लिप्स के क्या प्रभाव मान लें, इस चीज का आपको ध्यान देना है। तो जहां तक मैं कुंडली को देख पा रहा हूं, तो मैं यही कहूंगा कि अगर ग्रहण को मैं छोड़ दूं तो क्या आपकी कुंडली में कुछ ऐसा है जो आपको प्रभावित कर सकता है। तो जी हाँ, बिल्कुल, ये ग्रहण निश्चित तौर पे या ये पोजीशन निश्चित तौर पे उन लोगों के लिए बहुत अच्छी होने वाली है जो फ्यूचर में कहीं अपनी स्टडी को लेकर, ओवरसीज को लेकर बहुत एक्साइटेड हैं, जाना चाहते हैं, इच्छा है बहुत दिनों से। तो मैं कहूंगा कि ये इक्लिप्स निश्चित तौर पर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा बनने वाला है। वहीं भाग्य आपका साथ देगा, इस बात की भी मुझे कहीं ना कहीं जो एक अच्छी, जैसे होता है कि कोई अच्छी वाइब जो है वो आ रही है कि ये एक्लिप्स जो है आपके लिए कुछ अच्छा ही लेकर आएगा। लेकिन जो लोग पहले से ही, क्योंकि राशि लॉर्ड की अपनी पोजीशन ज़्यादा अच्छी नहीं है, वो 12th लॉर्ड भी है, लगन का या राशि का कारक होकर 12th हाउस में बैठा हुआ, तो मैं ये जरूर कहूँगा कि गुस्से पर काबू रखें, अपने इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश करें, जल्दबाजी में कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिसमें गुस्सा हो लेकिन गुस्सा किस बात से है ये पता ना हो। तो एक एक अच्छा लाइफस्टाइल अगर आप इसको लेके चलेंगे तो निश्चित तौर पे इस ग्रहण का बहुत ही अच्छा फल आपको मिलने वाला है, और ये ग्रहण निश्चित तौर पे एरी राशि के मित्रों के लिए काफ़ी अच्छा होगा। और मुझे उम्मीद है कि ये ग्रहण की जो स्थिति मैंने आपको बताई है जिसको लेके अभी काफ़ी आप चिंतित हैं, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, सिर्फ आप अपने कर्म के ऊपर, अपने एक्शन के ऊपर एक अच्छा कंट्रोल बनाए रखें तो स्थितियां आपके कंट्रोल में रहेंगी, और एक अच्छे बेहतर नतीजे जो इक्लिप्स जो है आपके राशि के लिए लेकर आ रहा है। और निश्चित तौर पे मैं ये भी साथ में कहूँगा, अगर पहले से ही कुछ इमोशनल चीज़ें इस समय आपको परेशान किए हैं, तो निश्चित तौर पे आपको अपने इमोशंस के ऊपर काबू रखना है। यही कहता हुआ कि ये इक्लिप्स आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। आपसे इजाज़त लूँगा, नमस्कार, और
अगली राशि के ऊपर चर्चा करूंगा।